अपने देश की सिक्योरिटी और सेफ्टी से जुड़े मैटर्स अगर आपको देश के लिए कुछ करने का हौसला देते हैं और आपको ऐसे किसी फील्ड में करियर बनाने को इंस्पायर करते हो जिसके जरिए आप देश की सुरक्षा में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, तो आप CAPF से जुड़ने का इरादा भी रख सकते हैं। CAPF जिसकी फुल फॉर्म है द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, और ये इंटरनल थ्रेट से देश की सुरक्षा करने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, जैसे BSF, CRPF, CISF, NSG, SSB और ITBP। अगर आप ऐसे ही किसी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको CAPF कोर्स से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और CAPF कोर्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। CAPF एक कॉम्पिटिटिव है जिसके जरिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होता है। इसके लिए UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक एग्जाम कंडक्ट करती है। साल में एक बार होने वाला ये एग्जाम ऑफलाइन होता है। इस एग्जाम के थ्रू इन सभी फोर्सेज में रिक्रूटमेंट होता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी कि BSF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज यानी कि CRPF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज यानी कि CISF, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP और सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB। UPSC CAPF एग्जाम की एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में जानते हैं। बात करते हैं नेशनलिटी की। कैंडिडेट इंडियन सिटीजन हो, नेपाल और भूटान के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो CAPF एग्जाम के लिए लोअर एज लिमिट 20 साल होती है और अपर एज लिमिट 25 साल से कम होती है। ये एज एग्जाम ईयर की 1 अगस्त तारीख से कैलकुलेटेड की जाती है। इस एग्जाम में अपियर होने वाले कैंडिडेट्स 2 अगस्त 1995 से पहले बॉर्न नहीं होने चाहिए और ना ही 1 अगस्त 2000 के बाद जन्मे होने चाहिए। कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। SC और ST कैंडिडेट्स को अपर एज में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC कैंडिडेट्स को 3 साल का और सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स और एक्स सर्विसमैन को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब जानते हैं CAPF एग्जाम के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट के पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। NCC के B और C सर्टिफिकेट रखने वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में प्रेफरेंस दी जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट का वजन 50 किलोग्राम और फीमेल कैंडिडेट का वजन 46 किलोग्राम मिनिमम वेट होना जरूरी है। मेल कैंडिडेट का चेस्ट 81 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं की गई है। इसी तरह मेडिकल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना भी कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है। CAPF एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो UPSC CAPF एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पहली स्टेज की बात करें तो इस स्टेज में रिटन एग्जाम होता है जो कि 450 मार्क्स का होता है, यानी कि 450 नंबर्स का। इस एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो होता है जनरल एंड मेंटल एबिलिटी, जिसकी ड्यूरेशन 2 घंटे और मार्क्स 250 होते हैं, यानी कि 250। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है। दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन, इसकी ड्यूरेशन 3 घंटे और मार्क्स 200 होते हैं। इस तरह टोटल मार्क्स 450 होते हैं। ये ऐसे टाइप पेपर होता है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं दूसरी स्टेज की। UPSC CAPF एग्जाम की सेकेंड स्टेज में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, जिन्हें क्वालिफाई करना जरूरी होता है। इसमें 100 मीटर, 800 मीटर रेस, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट जैसे टेस्ट शामिल होते हैं। इसके बाद आती है स्टेज नंबर 3। ऐसे कैंडिडेट्स जो सेकंड स्टेज पास कर लेते हैं उन्हें इंटरव्यू OR पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जो एग्जाम की 3rd स्टेज है। इस टेस्ट के बाद में फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। UPSC CAPF एग्जाम से जुड़े रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो ऐसा कैंडिडेट जो किसी भी फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर सिलेक्ट हो चुका हो वो इस एग्जाम में दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता। इसी के साथ UPSC CAPF एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट का भी एक नियम है। इस एग्जाम सेंटर का अलॉटमेंट फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पर होता है, यानी आप जितना जल्दी एप्लीकेशन फिल करेंगे उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी अपनी डिजायर्ड सेंटर की मिलने की होगी।
यूपीएससी सीएपीएफ का टाई ब्रेकिंग प्रिंसिपल भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए यूपीएससी की न्यू गाइडलाइंस आई है, जिसके अकॉर्डिंग जब फाइनल एग्रीगेट टोटल में कई कैंडिडेट्स के इक्वल मार्क्स आते हैं तो ये सिचुएशन टाई सिचुएशन हो जाती है, और ऐसी सिचुएशन में कैंडिडेट्स की एज के बेस पर सिलेक्शन किया जाता है। यानी इस टाई सिचुएशन में ओल्डर कैंडिडेट को रैंक में प्रेफरेंस दिया जाएगा। यूपीएससी सीएपीएफ 2020 एप्लीकेशन की लास्ट डेट 7 सितंबर 2020 है, रिटन एग्जाम डेट 20 दिसंबर 2020 है, फिजिकल स्टैंडर्ड एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मार्च 2021 में, और इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट मई 2021 में होंगे, जिसके बाद फाइनल रिजल्ट की टेंटेटिव डेट जून 2021 है। तो दोस्तों, सीएपीएफ एग्जाम क्या है और इस एग्जाम में अपियर होने के लिए आपको कौन कौन सी कंडीशंस पूरी करनी होगी, ऐसी सभी इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में आपको देने की कोशिश की है। फिर भी आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in से डिटेल में सारी जानकारियां जरूर ले और इस एग्जाम के लिए अप्लाई करें। इसी के साथ ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। साथ ही साथ बहुत सारी बधाइयां आपको इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए, और आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। और आगे भी ऐसी ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियां लेने के लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई और इनोवेटिव जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।